जो अगस्त का महीना चल रहा है और इस समय हम प्याज की नर्सरी डालना शुरू कर चुके हैं और इस समय बहुत से किसान भी चालू कर देते हैं। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा प्याज की नर्सरी हम कैसे तैयार कर सकते हैं, उसमें कौन कौन से कीटनाशक खाद और दवाइयों की जरूरत पड़ेगी और किसे उस तरह उसे गर्मी धूप और उक्त रोग से कैसे बचा सकते हैं। यदि आप प्याज की फसल अक्टूबर में लगाना चाहते हैं तो इसकी नर्सरी आपको लगभग अगस्त में तैयार करनी होगी, जो 15 से 25 अगस्त के बीच में तैयार करनी होगी और इसके लिए आपको 5 या 6 kg प्रति एकड़ के हिसाब से बुआई करनी होगी क्योंकि इसमें से बहुत सा बीज खराब भी हो जाता है। और यदि आप पछेती फसल लेना चाहते हैं तो उसकी आपको अक्टूबर नर्सरी तैयार करनी होगी, जो आपको 3 किलो लगभग आपको प्रति एकड़ के हिसाब से ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी बुआई आप दिसंबर में आप इसकी रुपाई कर सकते हैं। अगस्त महीने में या खरीफ का प्याज पौधा नर्सरी तैयार करते हैं तब यह कितना भी ख़राब हो इसमें 25% आपका बच ही जाता है और इसको आप अक्टूबर में रुपाई कर सकते हैं और इसका आपको अच्छी कीमत मिलती है जो 30 से 40 रुपये तक मिल जाती है। एक एकड़ खेत में प्याज की रुपाई करने के लिए आपको लगभग 20 डिसमिल अर्थात एक एकड़ के 20% हिस्से में आपको प्याज की नर्सरी तैयार करनी पड़ेगी। प्याज के बीज की बुआई से पहले आपको सबसे पहले प्याज के बीज का चयन करना पड़ेगा और जो आप प्याज के बीज का चयन करें वो आपको विश्वसनीय होना चाहिए, नहीं तो कई बार या तो बीज अंकुरण होता ही नहीं है, यदि होता है तो उसमें काफ़ी मोटे डंठल निकल आते हैं जिसकी आपको बाज़ार में अच्छी कीमत नहीं मिलती और यदि आप उसका स्टॉक भी करेंगे तो उसकी भरना क्षमता कम रहती है, इसलिए आप विश्वसनीय बीज चयन करें और बीज बोने से पहले उसको बीज उपचार जरूर करें क्योंकि बीज जो है काफ़ी महंगा मिलता है, जो 2000 या 3000 रुपये केजी मिलता है। यदि आपका 200 ग्राम बीज खराब हो जाता है तो आपको 400 से 500 रुपये का घाटा निश्चित ही हो जाएगा, जिसके लिए आप फंगीसाइड का उपयोग कर सकते हैं जिसमें आप ट्राइकोडर्मा लिख सकते हैं या फिर कार्बनडा जिव प्लस मैनकोजिव जो कि UPL का कंपनी के नाम से आता है, या आप ट्रम्प भी ले सकते हैं या जो भी आपको उचित लगे वो आप उसे खरीद सकते हैं। प्याज के बीज का उपचार आप गौमूत्र और छाछ से भी कर सकते हैं, इससे भी बहुत बढ़िया बीज उपचार होता है। बीज को बोने से पहले धूप में लगभग 4-5 घंटे अच्छी तरह सुखा लें, उसके बाद बुआई करें या फिर खेत में बोने के पश्चात उसे लगभग 1 दिन का धूप जरूर लगाएं ताकि वह अच्छी तरह से गर्म हो जाए और उसका 100% अंकुरण हो सके। जिस जगह आप बीज की बुआई कर रहे हैं वह जो भूमि हो वो ढलान वाली हो, लेकिन उसमें क्यारियाँ आपको पूरी तरह से समतल बनानी है ताकि उसमें पानी ना रुके। यदि पानी रुकता है, बरसात का पानी रुकता है, तो आपकी नर्सरी ख़राब हो सकती है क्योंकि किसी भी फसल को या पौध को पानी की नहीं नमी की आवश्यकता होती है। क्यारी तैयार करने पर उसमें किसी भी प्रकार के डीमे या मोटे मोटे डिमले ना हो, जिसे हम डिमले ही बोलते हैं बुंदेलखंड में, और उसे आप अच्छी तरह से भुरभुरा बना लें, जिस तरह से धूल बना सकते हैं इस तरह भी आप अगर बना सकते हैं तो बनाएं। क्यारी समतल करने के बाद उसमें छोटी छोटी रेखाएं बनाएं जो 1 सेंटीमीटर गहरी हों, या फिर आप सीधे ही बीज का छिड़काव कर दें और उसे किसी बोरे से मिलाएं, जिस पर बोरे में थोड़ी सी मिट्टी हल्के भर के उसको खींचें या फिर सीधे हाथ से मिलाएं, इससे ज़्यादा गहरा ना जाने दें नहीं तो इसका अंकुरण दब जाता है। इसे 1 सेंटीमीटर 1 इंच से अधिक गहरा करने की आवश्यकता नहीं होती। क्यारी में जैसे ही आप पानी चलाएं, पानी काफ़ी धीमी गति से हो, जैसे 1 या 2 स्प्रिंकलर में जितना पानी जाता है उतना ही क्यारी में जाए ताकि बीज आपका बहे ना। यदि तेज़ बारिश होती है तो आपकी नर्सरी काफ़ी ख़राब भी हो सकती है, इसलिए आप उस पर नेट लगाएं या फिर सफ़ेद पॉलीथीन जिसमें धूप तो जाए लेकिन पानी ना जाए उसे लगाएं और सिंचाई के लिए आप ज़मीन नीचे से पानी चलाएं। नर्सरी में सिंचाई प्याज की नर्सरी में सिंचाई आपको प्रति 3 दिन में या 4 दिन में करना है, जब तक आप 20 से 25 दिन ना हो जाएं, उसके बाद आप 5-6 दिन में और 7 दिन में कर सकते हैं। शुरुआत में इसे पानी की काफ़ी आवश्यकता होती है क्योंकि यदि सूख जाता है तो इसका अंकुरण सूखे में रहता है जिससे उसका पौधा बनता ही नहीं है, इसलिए आप उसको गीला रखें। प्याज की नर्सरी तैयार करने पर सबसे ज़्यादा हानि जो होती है बीज के दबने पर और बादलों वाली धूप होने से, इससे कीड़े मकोड़े और थ्रिप्स का ज़्यादा अटैक हो जाता है जिससे, या फिर इसे हम कह सकते हैं कि प्याज उड़ जाती है, उखट जाती है या प्याज खराब नर्सरी ख़राब हो जाती है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको छाछ का उपयोग करना होगा और आपको ह्यूमिक एसिड का उपयोग करना होगा। छाछ का उपयोग मैंने स्वयं किया है
इसका इससे अच्छा कोई भी कीटनाशक या फंगिसाइड नहीं है। इसका आप प्रति एक दो दिन में या तीन दिन में कर सकते हैं। जैसे आपकी पौध नर्सरी सात से दस दिन की हो, आप प्रतिदिन या प्रति तीन दिन में इसका एक बार स्प्रे जरूर करें और 15 लीटर के पंप में सीधे ही 15 लीटर का उपयोग आप कर सकते हैं। चूँकि छाछ का कीटनाशक बनाना आपको आता है, इसमें आप तांबे को डाल के 1 महीने 2 महीने 10 दिन जितने दिन आपको इसको रखना है उतना बढ़िया कीटनाशक है बन जाता है। यदि आप चाहें तो चूल्हे अथवा ईंट भट्टों से निकलने वाली राख का उपयोग भी आप प्याज की नर्सरी में कर सकते हैं। इसका उपयोग आप प्याज की नर्सरी के अलावा अन्य किसी भी फसलों पर या अन्य नर्सरी पर भी कर सकते हैं। यह एक फंगिसाइड के रूप में काम करती है। यदि आप नर्सरी में छाछ ह्यूमिक एसिड के साथ साथ आप कीटनाशक, जिसमें आप कोई भी सस्ता वाला कीटनाशक ले सकते हैं, जिसमें आप करांटे, प्रोफेक्स सुपर, पॉलीट्रिन आदि ले सकते हैं, और उसमें आप 1919 का उपयोग भी करें और यूरिया को भी। 1919 और यूरिया तेज़ी से ग्रोथ लाता है ताकि आपकी पौध नर्सरी जल्दी से तैयार हो जाती है। प्याज की नर्सरी और छाछ और ह्यूमिक एसिड पर एक वीडियो और है जिसकी लिंक हमने इस वीडियो में दी गई है। छाछ और ह्यूमिक एसिड, इन दोनों को एक साथ स्प्रे नहीं करना है। छाछ यह एक जैविक है और ह्यूमिक एसिड यह एक कहें तो रासायनिक है तो ये भी जैविक लेकिन इसे रासायनिक मान सकते हैं और इनका आपको अलग अलग उपयोग करना है। छाछ और ह्यूमिक एसिड में 24 घंटे का अंतर रखना है इसके स्प्रे में। ह्यूमिक एसिड जो कि जड़ों का तेज़ी से विकास कर नर्सरी को तेज़ी से तैयार करता है, इससे आपकी नर्सरी जो है मजबूत हो जाती है और उस पर धूप और अधिक वर्षा का ज़्यादा असर नहीं होता। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।